हेलो गाइस, यहाँ पे एक चीज और छोटी सी छूट गई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर आउटग्रोथ के बाद यहाँ पे सिंगल मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब बेसिकली ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो एक से ज्यादा जब राइबोसोम्स फॉर अ कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस पर अटैच होंगे उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंक्लूसिव बॉडी की, इंक्लूजन बॉडीज। ये जो इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ रिजर्व फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज की बात कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ रिजर्व फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल लाइक ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। दूसरा होता है वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स, और एक और है इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट। ये जो पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट होता है इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएचबी, एंड इट इज हेल्प इन द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ये जो रिजर्व फूड मटेरियल्स हैं, इनका पर्पस ये होता है कि कभी ड्यूरिंग द इमरजेंसी दीज ग्रेन्यूल्स आर प्रोवाइडेड द एनर्जी फॉर प्रोकैरियोटिक सेल्स या टू प्रोकैरियोटिक सेल। इतनी सी बात मारी और वहां पे मिस हो गई थी जो अभी उन्होंने से कंप्लीट। एक और पॉइंट है, कुछ जो प्रोकैरियोट होते हैं लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, इन ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर गैस वैक्यूल होते हैं फॉर फ्लोटिंग और बॉयंसी। फ्लोटिंग या बॉयंसी के लिए इन पर्टिकुलर बीजीएम मेंबर्स के अंदर क्या होते हैं, गैस वैक्यूल्स होते हैं। So it is the sufficient information or the complete information regarding the prokaryotic cell. Now in the next video lecture I will discuss about the eukaryotic cell and the entire cell organelles. Now we will discuss about the eukaryotic cell, or this eukaryotic cell ke reference mein hum logon ko ek chota sa flow chart ke through aapko inform kar rahe hain ye jo particular cell hai is cell ke andar kya kya cheezein hoti hain aur kya kya hum logon ko discuss karna hai। होता क्या है कि बायोलॉजी में कई सारे ऐसी चीजें होती हैं जो हमें याद नहीं हो पाती, और कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको कुछ चीजें थ्योरेटिकल मतलब एक डिक्टेशन फॉर्म में ना याद रखे, फ्लो चार्ट के फॉर्म में सारी चीजें याद रहे। तो हम ट्राई कर रहे हैं इस सेल को इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। बहुत सिंपल सा है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अबाउट द यूकैरियोटिक सेल, इन जनरल जो सेल होती है उनको बेसिकली हम लोग तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। दीज सेल्स, कोई भी सेल होगी उस सेल के अंदर तीन चीजें होती हैं। अगर वो प्लांट सेल है तो सबसे आउटर मोस्ट जो रीजन होगा वो होगा सेल वॉल का, और उसके बाद जो होगा वो साइटोप्लाज्म और सेंटर में न्यूक्लियस होगा। और अगर वो एनिमल सेल है वहां पे सेल वॉल नहीं होगी। ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, अगर हमने यूकैरियोटिक नहीं लिखा है तो ये कंसीडर किया जाता है कोई यूकैरियोटिक सेल के हम बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो सेल है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और न्यूक्लियस है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर तीन चीजें हो रही है। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में जो आउटमोस्ट कवरिंग है उसको हम लोग बोलते हैं थिन फ्लेक्सिबल, जो लाइपोप्रोटीनेशियस नेचर होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर लिपिड और प्रोटीन की थी यहाँ भी बनी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर में कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेगी जो आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दूसरी चीज है, इस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स की जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, व्हिच में बी द डबल मेम्ब्रेन, व्हिच में बी द सिंगल मेम्ब्रेन, और व्हिच में बी द नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इन सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोगों को बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ना है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं या तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं या इन पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स के रेफरेंस में पूछे जाते हैं।
अब बचा हुआ वो पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म का वो पोर्शन जिनके अंदर सेल ऑर्गेन्स ना होकर के कुछ अदर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग कह सकते हैं एक तरीके के रिजर्व मेटेरियल्स हो सकते हैं, इनको बोल सकते हैं वेस्ट मेटेरियल्स हो सकते हैं, जिनको एर्गेस्टिक सब्सटेंस बोलते हैं। ये गैस्ट्रिक सब्सटेंस बेसिकली जिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म में होंगे जहां सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे उसको बोलते हैं साइटोसोल। तो साइटोसोल का मतलब है व्हिच इज द पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म वेयर सेल ऑर्गेनेल्स नॉट प्रेजेंट। जब वहां सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे तो वहां पे क्या होंगे, गैस्ट्रिक सब्सटेंस होंगे, उस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं साइटोसोल। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, अगर हम बात करें थोड़ा सा सेल डिवीजन की या जेनेटिक्स के रेफरेंस में, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ये न्यूक्लियस। अगर यहाँ पे हम छोटी छोटी और चीजों को यहाँ डिस्कस कर लें और अगर आप इसको पढ़ने के बाद इस पर्टिकुलर पार्ट को एक बड़े से A3 साइज के पेपर पे भी अगर इसको आप बनाते हो और मेन मेन पॉइंट लिख लेते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट यू कैन रिवाइज एंटायर साइटोलॉजी। कैसे? इन फ्यूचर आई विल इन्फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जब सेल वॉल नहीं है तो एनिमल सेल में नहीं होंगे, इनके अलावा कहाँ नहीं होगा? सोचिएगा और मुझे अगले कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि दिस सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल एज वेल एज इन, कहाँ एब्सेंट होती है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक और छोटी सी चीज डिस्कस कर रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स में जो आपको स्टडी करनी है वो है क्लोरोप्लास्ट की, वो है क्लोरोप्लास्ट की और माइटोकॉन्ड्रिया, वो है क्लोरोप्लास्ट की और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, दीज आर द टू सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, not in the prokaryotic cell which is double membrane bound, which will be the outer which will be inner, dono present honge in dono cell organelles ke andar, which is much more important. jaise meri tongue slip karti hai aise aapke dimag mein kai sare cheez slip kar jati hai honestly, aur wo slip isliye karti hai kyunki hum log basically revise nahi karte. तो यहाँ पे हम लोगों को छोटी सी चीज और याद रखनी है, क्योंकि आप अगर 10th पास करके 11th में आए हैं और आप 11th फाउंडेशन के बैच में अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में आप पढ़ रहे हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको थोड़ा सा पहले भी कुछ चीजें मालूम होगी, जैसे क्लोरोप्लास्ट को और क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ सेल, क्योंकि खाना बनता है यहाँ पे। क्या ये किचन हमारी बॉडी में होती? नहीं। अगर हमारी बॉडी में होती तो आप इमेजिन कर लीजिए क्या हमको यहाँ खड़े होकर पढ़ने की जरूरत थी और आपको वहां पढ़ने की जरूरत थी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में अगर क्लोरोप्लास्ट फॉर्मिंग जीन होता, क्या होता? क्लोरोप्लास्ट फॉर्मिंग जीन, तो हमारी बॉडी कैसी होती? ग्रीन इन कलर। हमारी बॉडी, हम ऐसे खड़े हो जाते, सनलाइट होती, खाना बन जाता। हमारी बॉडी में अगर फूड बन जाता तो हमें क्या जरूरत थी काम करने की, क्या जरूरत थी हमें पढ़ाने की और क्या जरूरत थी आपको पढ़ने की? इसलिए हमारी बॉडी में क्या नहीं होता, ऊपर वाले ने बोलते ना ऊपर वाला दैट इज सुप्रीम पावर, उसने जब इस अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो इन केस ऑफ एनिमल, क्योंकि एनिमल क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक की नेचर, दे डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर फूड, तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है उसको होते हैं किचन ऑफ सेल। दूसरा जो है जिसको होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी आपको पता है इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल होते हैं। कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता होगा पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, और कई ऐसे भी होंगे जिनको नहीं भी पता होगा, और कई उनमें से ऐसे भी होंगे जिनको ये पता होगा कि ये जो बात है जिसको बोल रहे हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ये दी किसने थी, इसको एक्सप्लेन किसने किया था, वो हम लोग कमिंग वीडियोस में जब माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करेंगे वहां पे मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख के भेज सकते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि दीज आर प्रेजेंट इन एंटायर सेल, जो भी सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, वो एक अलग बात है कि वहां पे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन कर रहा है? मीजोसोम। एग्जैक्टली, दैट परफॉर्म बाय मीजोसोम। लेकिन यहां पे मीजोसोम नहीं होते, यूकैरियोटिक सेल में पावर हाउस ऑफ सेल बेसिकली जो एनर्जी देता है हमें वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि रेस्पिरेशन होता है यहां, तो रेस्पिरेशन साइड क्या हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया। फोटोसिंथेटिक साइड क्या होगी, क्लोरोप्लास्ट। तो दोनों चीजें आपको यहीं पे याद होगी, स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसने क्या टर्म दिया, कोई गलत चीज जब हम डिटेल में बात करेंगे वहां पे देखेंगे। दूसरी बात करें इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के रेफरेंस में, इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स आता है
जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसको बोलते क्या है, इसका अनदर नेम क्या है, ये आपको पता है? इसका अनदर नेम आप बताइएगा ढूंढ के सोच के, और नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में जब हम इसे डिस्कस करेंगे तब आप कमेंट बॉक्स में उससे पहले ही कि भेज सकते हैं। दूसरी चीज, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, बेकर्स बॉडी, ट्रोपोस्पॉन्जियम, कई सारे डिफरेंट नाम है। यही एक ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके मोर देन 40 नेम्स हैं। कितने नेम्स हैं? मोर देन 40 नेम। ये मोर देन 40 नेम जो कैनलियो गॉल्गी ने बेसिकली इसको दिए थे, ये गॉल्गी बॉडी इसको लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कमिंग वीक। नेक्स्ट है एक बुक जिसको बोलते हैं लाइसोसोम, एक वो जिसको बोलते हैं लाइसोसोम, इसको हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं, इसको एटम बम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मेबी यू नो मे नॉट। जब इनके बारे में इतने क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने लगे तो आप समझ जाएगा कि आपका साइकोलॉजी का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो ये ऑल दीस आर यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दैट इज सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन के उदाहरण है, सिंगल मेम्ब्रेन भी है। ये मेन ऑर्गन्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, और ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको बोलते हैं राइबोसोम्स, इसको आप प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। कम से कम एटलीस्ट मिनिमम इतने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोगों को यहां पे डिस्कस करना है। इनके अलावा भी हम लोगों को डिस्कस करना है जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल, यहां पे डिस्कस करना है सिलिया एंड फ्लैजेला, और यहां पे डिस्कस करना है न्यूक्लियस। एवरीबॉडी नोस ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन क्या करता है? रेगुलेट, रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ एंटायर बॉडी। ऐसे ये क्या करेगा? इस पर्टिकुलर सेल की सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा, दैट कॉल्ड द न्यूक्लियस। और जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर सेल को इन्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं। क्या ये इन्यूक्लिएटेड सेल हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी में होती है या नहीं होती है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी। जो आरबीसी है जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर, आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इन्यूक्लिएटेड सेल। और कुछ सेल ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। कुछ सेल, मोस्ट ऑफ द सेल हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियस पर सेल, एक न्यूक्लियस एक सेल के लिए काफी होता है। लेकिन कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनके अंदर दो भी हो सकते हैं, कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस होते हैं, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर हम कहें सिनोसिटिक, और यह कह सकते हैं सिंसिशियल, एक होता है सिंसिशियल, एक होता है सिनोसिटिक। हम लोग इसके बारे में डिटेल में जब भी आएगा वहां पे डिस्कस करेंगे, यहां पे इसलिए कुछ डिस्कस नहीं कर रहा। ये नॉर्मली सी एक फ्लो चार्ट है, नॉर्मल फ्लो चार्ट है जो सेल को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर इतना भी किसी बच्ची ने पढ़ा है, इतना भी कभी गौर से देख लिया, तो यहां पे भी एक क्वेश्चंस है, दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चंस है, दैट डिपेंड ऑन द एग्जामिनर वो क्या क्वेश्चंस पूछा है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, इन व्हिच फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स वेयर द मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इसलिए राइबोसोम। यहां क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, इन व्हिच फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग, दैट इज राइबोसोम। इन व्हिच फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज नोन एज व्हिच इज द रेस्पिरेटरी साइट टेक्स प्लेस, या वेयर द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, दैट माइटोकॉन्ड्रिया। सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन अराइजेस इन दिस फ्लो चार्ट, जो आपको टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप साइकोलॉजी में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इस टॉपिक को और इलैबोरेटेड करते जाएंगे। और नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में फिर हम लोग डिस्कस करनी है यूकैरियोटिक सेल वॉल। ये जो यूकैरियोटिक सेल वॉल होती है होती कैसे है, फीचर्स क्या होते हैं, और अदर देन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल वॉल के रेफरेंस।
अगर ये चैनल ये पर्टिकुलर वीडियोस आपको अच्छे लगे हों तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके अलावा जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियोस एंड वीडियो से आप अगर रिवाइज करते हो तो आई थिंक यू हैव नो एनी डाउट और अगर आपके डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके उनको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। थैंक यू सर।